चलिए गाइस, लास्ट सेशन से किसी का कोई क्वेश्चन? अजय जी आप लास्ट सेशन में थे नहीं, आपने पूरा देख लिया सेशन? सर देख लिया, मेरा क्वेश्चन है सर लास्ट, बताइए और भी क्वेश्चन है बताइए सर। मैंने ना लोगो वगैरह सारे अपनी वेबसाइट पे ऐड कर दिया है, टाइटल में जो लोगो ऐड करना होता है ना वो नहीं हो पा रहा मेरे से। टाइटल में लोगो ऐड नहीं हो पा रहा, स्क्रीन शेयर कीजिए सर। मैं वर्डप्रेस के क्वेश्चन ज्यादा देर ले नहीं पाऊंगा, बट मैं कुछ क्वेश्चन जरूर स्टार्टिंग में लूंगा। So, स्क्रीन शेयर करें अजय जी। एक मिनट सर। बीना मैम कैसा चल रहा है काम? सर अच्छा है। मैम वो आपका कुछ लोकल मैप में काम किया आपने? लोकल मैप नहीं सर। ओके और वेबसाइट पे क्या चल रहा है? हेलो वेबसाइट पे क्या चल रहा है? आई वेबसाइट सर रेडी है। यस आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है ठीक है, सब कुछ उसमें मैंने आज ईमेल भी उसमें कॉन्फ़िगर कर दिया, मतलब जो कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है वो सब। जी जी सो रेडी टू लॉन्च है, मतलब ईमेल शूट हो रही है प्रॉपर्ली? यस सर वो मैंने चेक किया। ठीक है बहुत बढ़िया, चलिए पहले आपकी वेबसाइट देख लेते हैं सर। पोर्ट्रेट क्विंच, सनी क्या चल रहा है वेबसाइट का? थोड़ा अपने आप को सेफ रखने की जरूरत है, बिकॉज इंडिया में वायरस इन्फेक्शन धीरे धीरे फैल रहा है। और यस अभी पीपल आर सेइंग, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है मेडिकली, बट पीपल आर सेइंग कि ये अभी सेकेंड स्टेज में है। फोर्थ स्टेज में आते ही बहुत दिक्कत है, जहां पे बहुत सारे लोग को वायरस इन्फेक्शन होगा, और वो होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हम रोक पाएंगे, ये होगा जरूर, बट अपने आप को बस रेडी रखने की जरूरत है। और इधर उधर अवॉइड कीजिए जाना, और जो ऑफिसेज हैं बाकी सारे ऑफिसेज क्लोज हो चुके हैं। सर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक है क्या आपका? सर मैंने वो फोटोशॉप ऑन कर रखा था, इस वजह से शायद चल रहा। ओके सर इनकॉग्निटो मोड में एक बार वेबसाइट दिखा दीजिए मुझे जरा। तो अभी स्पेन की अगर आप न्यूज चेक कर रहे हैं तो स्पेन में और इटली में 800 लोग एक दिन में मर गए हैं। डेथ कवर्ड है इटली की। सो वो फोर्थ स्टेज में पहुंच चुके हैं। एंड चाइना में कोई नया इंक्रीज मिला नहीं है, तो आई बिलीव चाइना ने कुछ शायद डेवलप किया होगा इसके लिए। बट इंडिया भी ये चीज चिल्ला रहा है कि इंडिया में भी लोगों ने कुछ ढूंढ लिया जिससे क्योर कर पा रहे हैं, बट आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या कह रही है। बट आप लोग अपना ध्यान रखिए। सर नया इनकॉग्निटो मोड खोले प्लीज। हैंग हो गया क्या सिस्टम? नहीं सर। और अपनी वेबसाइट यहां मेंशन कीजिए। क्या सर मुझे दिख नहीं पा रहा कुछ? सर फोन क्या सर? सर मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ डिवी बिल्डर वाली स्क्रीन दिख रही है। सर एक मिनट, दोबारा से करें स्क्रीन, दोबारा शेयर कर दें सर शायद। हाँ ठीक है सर, दिख गया मुझे, दिख गया। ओके सर ये लोगो आ तो रहा है आपका? सर यहाँ पर नहीं सर, जब जैसे मैं किसी टैब में वहाँ पे लिखता हूँ ना, उसके ऊपर अपना एक टाइटल के स्टार्टिंग में जो लोगो आता है सर। मुझे दोबारा समझाएं सर। मैं एक बार समझाता हूँ सर, एक रुपये प्लीज। मैं करूँ सर? जी बिल्कुल कर रहा है सर। अजय जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, बस मैं कहूंगा ये जो फोटोग्राफ्स है ना ये थोड़ी सी वाइडली थोड़ा स्कैटर्ड लग रही है। ये सर वो मेरे पास जैसी आ जाएंगी वो मैं उस पे भी कर दूंगा सर। जी सर ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं सर, इसमें जैसे बाकी जैसे यहाँ पर सर जैसे ये लोगो दिखाई दे रहा है। अच्छा सर इसको हम कहते हैं फैब आइकन। फैब आइकन
इसको फाइव आइकन कहते हैं, मैं इसके लिए हेल्प कर देता हूँ सर। यहाँ देखिए, इधर आप व्यू साइट पे जाएंगे, ये आपको मेन इधर ही मिल जाएगा। वैसे फाइव आइकन इधर लगाने का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा वर्डप्रेस के थ्रू दिखा देता हूँ, जिसमें आप हर थीम में लगा पाएंगे। फिर सारे लोग देख लीजिए, इसको फाइव आइकन कहते हैं। थीम कस्टमाइजर में आप जाएंगे, थीम कस्टमाइजर क्यों नहीं ओपन हो रहा सर? ये किसी और को भी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम किसी और को भी हो रही है बिना मैम आपने फाइव आइकन अपडेट किया है? नहीं सर। ठीक, सर एक मिनट जरा मैं अपनी वेबसाइट पे चेक कर लूं। हाँ जी सर, मेरी पुरानी वेबसाइट पे तो आ रहा है, बट नई वाली पे मैंने नहीं किया, नहीं दिख रहा है। मैं वही एक बार चेक कर लेता हूँ। डीवी बिल्डर का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अंदर इन्होंने फैब आइकन्स के ऑप्शन को हटा दिया है, बट यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन होना चाहिए फॉर श्योर। लेकिन आपकी वेबसाइट में क्यों नहीं आ रहा सर? इसका रीजन हम अभी देख लेते हैं। कस्टमाइज आपकी वेबसाइट होनी चाहिए थी। कस्टमाइज सर डीवी में तो ऑप्शन आता है कस्टमाइजर का। आ गया आ गया, ठीक है सर आ गया। पता नहीं पहले क्यों नहीं आ रहा था ये। नहीं सर, डिवी में कस्टमाइज का ऑप्शन जो आ रहा है ना वो डिवी थीम कस्टमाइजर है। अच्छा ठीक है, वेबसाइट का बता दो। ये वर्डप्रेस के हर जो भी चाहे आप यूज करें, आप कोई भी थीम यूज करें, ये ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। साइट आइडेंटिटी के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे आपको फैब आइकन मिलेगा। ये रहा सर साइट आइकन, ये दिख रहा है। okay, यहाँ पे आप अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं सर। यहाँ पे आपके पास है सर ये इमेज बनी हुई है? यस सर, ये इसमें नहीं होगी अपलोड फॉर नहीं। हाँ यही है सर, कल मैंने ट्राई किया था। यही ठीक है, ये रहा, हम इसको यही चाहिए ना सर आपको? हाँ जी, हाँ जी सर यही चाहिए। ठीक है,
ठीक है, इसको स्किप क्रॉपिंग कर देते हैं। साइज सर, साइज ऑटोमेटिकली उठा लेगा वो। पब्लिश। ये लोगो आपने खुद डिजाइन किया सर? हाँ सर, कल बहुत इसमें टाइम लग गया, पहले मैंने कैनवा पे बनाया उसको, फिर फोटोशॉप में मैंने पूरा कंप्लीट किया उसको। बहुत बढ़िया सर, अच्छा काम किया है आपने सर। फोटोशॉप भी पूरा सीखने में 1 घंटा लग गया। चलिए पब्लिश हो गया सर। अब आप इसको कहीं पे भी ओपन करेंगे, अगर आप किसी भी पेज पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। आपके सिस्टम पे हो सकता है वो नहीं दिखाए, लेकिन किसी भी और सिस्टम पे आप चेक करेंगे। आ गया सर, आ गया। आपके सिस्टम पे भी आ गया? आ गया सर। ठीक है सर, ठीक है, वो दिखाई देता है तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। नहीं एक्चुअली सर, फैब आइकन बहुत जरूरी है और SEO फंडामेंटल्स के अंदर फैब आइकन होना बहुत अच्छा है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? अजय जी, आपका कोई क्वेश्चन और? सर क्वेश्चन है सर, आप 4-5 क्वेश्चन है मेरे। जी बताइए बताइए सर। सर ये तो मतलब पुराना ही क्वेश्चन था, एक पुराना क्वेश्चन हो रहा है, आपने जो बोला था बाद में बताएंगे, फुटर के नीचे कैसे वो? मैं रिसर्च नहीं कर पाया उस पर बिल्कुल भी। ओके, मैं फॉर श्योर, लेट मी मेक ए नोट ऑफ दिस सर। मैं बिल्कुल इस पर रिसर्च नहीं कर पाया, मेरे पास टाइम नहीं मिला मेरे को, क्योंकि जब वेबसाइट गो लाइव होगी तो शायद। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, जरूरी है उसको ठीक करना। देखिए कोड से तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा, लेकिन मैं कोड वाला तरीका अगर आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों के लिए इजी नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक वेबसाइट पे कर लेंगे, बाकी वेबसाइट पे नहीं कर पाएंगे। यस सर, यस। सो आई विल टेल यू ब्रीफ वे कैसे इसको करना है। सो मैंने नोट कर लिया है, आप लोगों को इसका जवाब कल मिल जाएगा। ठीक है सर। और सर कल के जो सेशन था उससे क्वेश्चन है मेरा। बताइए बताइए। इसके लिए आप बोल रहे थे कि जैसे बैच से किसी का मल्टीपल एड्रेस पिक करके वहां पे लोकल मैप बिजनेस में शो कर सकते हैं जी, उसके लिए पहले तो सबके पास तो वो पिन कोड के लिए लेटर आएगा। जी बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी मेरे पास ये एक लेटर आया हुआ है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है? ये एक लेटर आया हुआ है और ये देखिए इसने मुझे 6 डिजिट का एक कोड दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? आप सबको दिख रहा है? विजिबल तो नहीं, हाँ फिर भी ठीक है। नो सर। ओके, मैं दिखा देता हूँ सर, एक मिनट आपकी स्क्रीन को ऑफ करें हम। मैं ओके, ये लेटर दिख रहा है आपको जो मेरे हाथ में? ये लेटर दिख रहा है लेकिन सर वाइट है पूरा। ओके, ये एक लेटर होता है, मैं दिखा देता हूँ, ये गूगल माई बिजनेस का लेटर है और इस माई बिजनेस पे एक एड्रेस लिखा हुआ रहता है सर स्टार्टिंग में, जिसके नाम पे आपने भेजा है वो लिखा रहता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको 6 डिजिट का एक कोड दिखाई देगा। ठीक है सर। कोड आप उठाएंगे और आपको अपनी लिस्टिंग में ऐड करना है, दैट्स इट। तो मींस कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज जैसे सनी जी ने हम सभी के नाम पे वहां पे लोकल मैप बिजनेस में ऐड कर दिया जी, तो वहां पे एड्रेस में हम सभी का दिखाई देगा सर? बिल्कुल, जैसे अगर सनी जी ने किया है ना, तो सनी जी देखिए होता क्या है सर, सनी जी एक ही एड्रेस पे बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस नहीं बन सकते, ये तो लॉजिक बनता है ना। तो आपको ऐसे करने पड़ेंगे कि आप जैसे मान लीजिए अजय जी, देखिए जो भी मेथड मैंने बताया था, शायद आपने अगर वीडियो पूरी देखी होगी। हां सुन लिया था सर, मैंने सुन लिया था, ये एक्चुअल गलत है, ये सुन लिया था है ना। लेकिन अब आपको करना क्या है सर, बिजनेस चलाना है तो कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना। ये सर, हम SEO भी तो यही कर रहे हैं। ये सर, तो इसीलिए सर गलत और थोड़ा गलत और बहुत ज्यादा गलत में चुनना हो तो हम आराम से देख सकते हैं क्या चीजें हैं। सो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि सर एक एड्रेस पे बहुत सारे बिजनेसेस रजिस्टर्ड नहीं कीजिएगा, वरना सस्पेंशन का तरीका आपके सामने आ जाएगा, जिसके बाद आप अपनी वेबसाइट को ज्यादा अच्छे चला नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका दिल्ली में कोई रिलेटिव है, आपने अपने एड्रेस पे कर लिया, उसके बाद उस रिलेटिव के एड्रेस पे कर लिया, उसके बाद सर आप मान लीजिए जैसे चंडीगढ़ में आपने किसी के एड्रेस पे कर लिया, ठीक है, यूएस ब्रांचेस दिखा दी कि एक एड्रेस की अलग अलग ब्रांचेस है। बिल्कुल सर। Okay. अब सारे लोग सनी जी पे करेंगे तो सर सारे सनी जी का जो घर होगा वो तो फिर गूगल कहेगा ना कि भैया क्या चला रखा है तुमने। ठीक है सर, मींस नंबर एक कॉमन होगा, एड्रेसेस अलग अलग होंगे, नंबर और वेबसाइट दोनों कॉमन हो सकती है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके परफेक्ट, किसी और का कोई क्वेश्चन? नो सर। विकास सैनी जी, चिन्मया जी, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चिन्मया जी आपकी वेबसाइट क्या चल रहा है? So, अभी तो कॉन्टेक्ट पेज बनाया और एक पोस्ट डाला है। और पोस्ट खुद लिखा है सर आपने पूरा? नहीं सर, अभी तो नहीं, लेकिन आगे जो इसके करेंगे वो खुद से, मतलब थोड़ा सा सर्च करके फिर अपने आप से लिखें।
और कौन सा टॉपिक कौन सा लेके चल रहे हैं सर? पहला पोस्ट किसके ऊपर लिखा है? तो पहले तो मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया लिए। ओके, अच्छा टॉपिक है सर। और हो सकता है आप इसको फेसबुक और इन सब जगह पे, आप सोशल नेटवर्क्स पे आइए तो वहां पे आपको समझ आएगा किस तरीके से काम करना है। आज सेशन में मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ कैनवा टूल के ऊपर। कैनवा टूल मैंने आप लोगों को बताया पहले, हल्का इंट्रोडक्शन दिया है। ओके, कैनवा टूल के अंदर कोई क्वेश्चन किसी का, या फिर मैं स्किप करूं या फिर मैं पूरा कैनवा टूल दोबारा बताऊं? नहीं सर, उसमें तो इतना कोई ज्यादा टफ तो नहीं था, पोस्ट भी बना के देखा था, बट उसको लाइव कैसे करना है वो समझ नहीं आया वहां से। जी सर, कैनवा टूल का मैंने सर कैनवा, ये मैंने लोगो सर कल कैनवा टूल से ही बनाया था मैंने। जी बहुत बढ़िया। सो सनी कुछ पूछ रहे हैं आप? सर आई ऑलरेडी हर्ड दैट सम पीपल इन ग्रुप वर टॉकिंग अबाउट कैनवा, सो डिड यू टेक एनी क्लास ऑन दैट? सर मैंने क्लास नहीं ली थी, मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था। मैंने दो क्लासेस को मर्ज करके वहां पे कैनवा टूल पढ़ाया था। इट वाज अबाउट यस्टरडे। नहीं सर, बहुत पहले का है ये सेशन। इनिशियल स्टेज पे है जी, इनिशियल स्टेज पे था। तो मैं आप लोग चाहता हूँ कि मैं अब आगे कैनवा टूल को आप दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। दैट्स क्योंकि टेम्पलेट पहले से पड़े हुए हैं, आपको सिर्फ वहाँ पे एडिटिंग करनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डू दैट, अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली लैंड इट टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक्चुअली सर आई जस्ट नीड टू लर्न दैट। ओके चलिए, मैं दोबारा फटाफट बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। मैं दोबारा बता देता हूँ। सो प्लगइन है कैनवा टूल? सर नहीं, कैनवा टूल। चलिए, ये किसने पूछा? चिन्मय जी। जी सर, अभी तक शांत क्यों थे आप? नहीं सर, भूलने ही वाले थे बस। सर पैसे दिए ना पूरे आपने? जी सर। अरे मैंने दिए तो मैं खा जाता, मैं कहता कराओ, है ना सर। अजय जी, वीना मैम, ये सारे सीखे हुए हैं खिलाड़ी हैं सर, छोड़ देंगे पीछे आपको। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला मैंने बना लिया था, बट उसको लाइव कैसे करना है वो नहीं आया मुझे। विकास सैनी जी, आपने काम किया कैनवा पे? सर नहीं। सर तो कहां, मतलब सोए हुए हो गया सर अभी तक? लेकिन सर मेरे को ना कल उस वाटरमार्क हटाने के लिए सर मुझे $1 देना पड़ा सर कल। किसके लिए सर? वो एक मैंने परचेज किया था वहां से यार। तो मतलब सर ये फ्री में करना है। चलिए सर, मेरे पास जो आपने स्टार्टिंग में देखा ना, वो जो ट्रे वाला लोगो था वो सर उसमें फ्री के लिए, फ्री तो दे रहा था लेकिन उसमें वाटर मार्किंग बोला था कि वाटर मार्क में जब भी हटाऊंगा उसमें से $1 पे करेंगे सर। तो वो उस टाइप का लोगो तो आपको गूगल पे बहुत ज्यादा मिल जाता सर, लेकिन मैं हाँ सही तो कह रहे हो आप। हाँ ठीक है, कॉपीराइट में नहीं जाना चाहते सर। कॉपीराइट उस ट्रे के ऊपर क्या कॉपीराइट लगेगा सर? बहुत डरते हैं अजय जी, बहुत ज्यादा। वो तो क्लिप आर्ट है सर, हिंदुस्तानी हो आप, है ना, ये बहुत डरते हैं। हिंदुस्तानी वाला ब्लड रहना चाहिए सर, जुगाड़ू बनोगे तभी चलोगे सर, वरना $1-$2 देते रहोगे तो जैसे लोग तो बहुत मार्केट में बैठे हुए पैसे पैसे पकड़ लेंगे। ओके सर, ओके, है ना सर। जी सर, इफ कैनवा टूल इज सफिशिएंट एनफ टू क्रिएट प्रोफेशनल लेवल वीडियोस? ऑफ कोर्स सर, वीडियो नहीं, इमेज एडिटिंग टूल है ये। इमेज जी, वीडियो नहीं, लेकिन वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने वीडियो इसमें डिजाइन किए हुए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे किए हुए हैं। यहाँ पे चलिए, सबसे पहले आज मैं कैनवा टूल इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि, सनी अपने माइक को म्यूट कर ले, थैंक यू। आज मैं कैनवा टूल इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं सोशल नेटवर्क्स पे आने वाला हूँ, और आप जो ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं और आप जो भी ब्लॉग में फीचर्ड इमेज आप लोग लगाते हैं ना, वो फीचर्ड इमेज भी यहां से आप बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके का काम है। मैं अभी आपको एक फीचर्ड इमेज बना के दिखाऊंगा कैसे है। फीचर्ड इमेज कोशिश कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक की जब आप पोस्ट की बात करते हैं या व्हाट्सएप पे किसी को आप पोस्ट भेजते हैं तो आप देखिएगा कि वो स्क्वायर इमेज में अगर रहेगी तो वो बड़े मजेदार तरीके से दिखती है। मैं यहां पे दिखाता हूं, वी वर वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट, हम एक बुक डोनर वेबसाइट बना रहे हैं, दिस इज लाइक रिलेटेड टू वन ऑफ माई एनजीओस जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, और हम कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपस में मिलके इस चीज को बना रहे हैं। सो ये देखिए, एक है ना, हमने एक व्हाट्सएप इमेज बनाई है, ये सोशल नेटवर्क्स पे जाने के लिए, आपके किसी भी ब्लॉग पोस्ट पे जाने के लिए, देखिए बहुत क्रिएटिव लग रही है ना। यस सर, बहुत क्रिएटिव लग रही है, और कुछ भी नहीं है। आज अगर आप डिजाइन की बात करें ना, आज अगर आप बात करें क्रिएटिविटी की, दैट शुड बी वेरी सिंपल। पहले का जमाना अलग चला गया जब आप एक ही इमेज के अंदर या एक ही क्रिएटिव के अंदर 10,000 चीजें डाल देते थे,
कोशिश कीजिएगा कि आप इस चीज को बिलीव करें कि आप डिजाइनर नहीं हैं, बनने की कोशिश भी मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट करेंगे, ट्रस्ट मी। अगर आप 2 साल मेहनत करते हैं, 3 साल मेहनत करते हैं, तब जाके आपके पास सेंस आएगा ये चीजें बनाने का, ये चीजें डेवलप करने का, सोचने का। क्योंकि टू बी अ क्रिएटिव पर्सन यू नीड टू रिसर्च लॉट, आप देखेंगे नहीं तो सोचेंगे कैसे। लेकिन इस टूल की मदद से आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपने ब्लॉग के लिए बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे इमेजेस आर्टिकल्स के लिए, और अपने फेसबुक के लिए, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक क्रिएटिव बनाएंगे किस बारे में, अजय जी की जो भी जो सर्विसेज अजय जी प्रोवाइड करते हैं उसके लिए, सो दैट अजय जी आप अपने व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर पाए वो, है ना। Okay, मतलब आप अपनी उस क्रिएटिविटी को किसी को सेंड करेंगे, लोग इमेज देखेंगे और आपकी वेबसाइट पे फिर आएंगे। ये भी एक तरीके का हो सकता है ना मार्केटिंग मेथड। यस सर, यस सर। तो आज हम इस पे ट्राई करते हैं। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये रहा मेरा होम, मैं आता हूँ होम के ऊपर, इस तरीके से मैं आऊंगा यहाँ पे, मैं जो ये सर्च बार है यहाँ पे सिंपल आऊंगा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम जो पोस्ट बनता है इसका साइज 1080x1080 होता है पिक्सल्स में, मतलब ये स्क्वायर होता है। फेसबुक पसंद करता है स्क्वायर इमेजेस को, इंस्टाग्राम पसंद करता है स्क्वायर इमेजेस को, और बहुत सारी वेबसाइट भी पसंद करती है क्योंकि स्क्वायर को छोटा या बड़ा करने में उसकी पिक्सेलेशन खराब नहीं होती, इमेज खराब नहीं होती। जैसे अजय जी आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो स्लाइड शो में इमेज लगाया है ना, वो स्क्वायर नहीं है तभी तो खराब हो रही है। यस सर, यस। अगर वो स्क्वायर होती तो खराब नहीं होती। यस सर। इसलिए बहुत सारी वेबसाइट जो सोशल नेटवर्क में काम करती है वो इसी तरीके से इमेजेस को पसंद करती हैं। यहाँ पे देखिए आप ब्लैंक बना सकते हैं, और सारे इसने पहले से हमें तरीका दिखा दिया। आपने जो अभी इमेज देखी वो इमेज मैंने यहाँ से निकाली हुई थी, देख रहे हैं। अभी जो आपने क्रिएटिव देखा था वो लड़की वाला, वो हमने यहाँ से निकाला हुआ था। सो अभी मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए एक कुछ बनाने की, जहाँ पे हम ट्राई करते हैं, एक बार सर्च करके देखते हैं हमें कुछ अगर अच्छा मिल गया। चलिए हम ये कर सकते हैं, यहां पे अपनी वेबसाइट का नाम बताएं सर, क्या है? द पोर्ट्रेट क्विंट। यस सर, पी ओ आर, पी ओ आर सर, द नहीं है, पोर्ट्रेट क्विंट। यस सर, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूं यहां पे इसको रखने का, इसको हटा देते हैं। और अब इन चारों में हम अपने पोर्ट्रेट्स डालेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल और इजी। अभी मैं आपके ग्रुप में ये भेजूंगा, देखिएगा कितना यूनिक लगेगा और मजेदार तरीके से लगेगा ये, ठीक है सर। यहां पे हम चलते हैं और कुछ पोर्ट्रेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। आपके पास कुछ पोर्ट्रेट्स हैं वेबसाइट पे सर या नहीं है? वेबसाइट में है सर। मैं अभी के लिए कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्रेट्स निकाल लेता हूं, उसके बाद फिर आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके से क्या करना है। यहां पर लेट सपोज मैं ये उठाता हूं सर, कुछ और इमेजेस ले देते हैं इसी के साइज की, जैसे यहाँ पे ये है, ये है। डिजाइन के अकॉर्डिंग मुझे 4 पिक्चर्स चाहिए, सो आई विल गो फॉर दैट। सर आपका प्रीमियम अकाउंट है सर इसमें? नहीं सर, ये कैनवा में। यस सर। सर मैंने आज तक परचेज ही नहीं किया, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी सर इसमें। ओके।
मैं एक्चुअली आप लोगों को सिखाने के लिए इसमें करता हूँ, बट मैं वो लाइक फोटोशॉप पे ज्यादा पसंद करता हूँ काम करना सर. फोटोशॉप कल पूरा हिला दिया सर, बहुत बहुत वास्ट है सर फोटोशॉप. यस सर. सर क्या वास्ट है उसमें सर, आपको आता है इसलिए आप. अच्छा यहाँ पे देखिए, ये एक सिंगल इमेज है, तो यहाँ पे देखिए मैं इस इमेज को उठाता हूँ और ये मजेदार तरीके से शायद काम कर जाएगी. यहाँ पे मैं लेके आता हूँ इसको, ये रही, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको और ये अपलोड हो जाएगी आपके. इसमें दो इमेजेस हमें रखनी है, मैं इसको लेता हूँ और इसको लेता हूँ. इस इमेज को उठाया, यहाँ पे रखा, इस इमेज को हटा देते हैं, इस इमेज को यहाँ पे रख देते हैं. अब जैसे ये इस तरीके की इमेजेस आई, चार सेट नहीं है, दो का ही है. अब जैसे मुझे इस इमेज को हल्का सा शिफ्ट करना है, सो आई कैन मेक अ डबल क्लिक ऑन दिस एंड डू लाइक दिस. मैं अगर इसको करना चाहता हूँ, कंट्रोल से मैंने किया एंड मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, इसको भी ऊपर ले जाता हूँ. और जब आप इसको ऊपर या नीचे ले जाएंगे या किसी भी सेक्शन में लेके जाएंगे, तो ये बहुत मजेदार तरीके से ऑटोमेटिकली आपको एक पिंक कलर का साइन देगी. देखिएगा, ये देखिए, इसने मेरे को सेंटर का साइन दे दिया. बिना मैम, सो आप कुछ नहीं करना है. अब इसको आपको यहां से उठाना है एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है. ये फ्री में जो आपको ऑप्शंस देगा, वो आपको ऑप्शंस देगा यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए पीएनजी में. अगर आप बहुत हाई क्वालिटी इमेज चाहते हैं तो पीएनजी में डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन वेबसाइट के लिए जो इमेजेस चाहिए, अगर व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं तो हाई क्वालिटी डाउनलोड कीजिए, नहीं तो जेपीजी डाउनलोड कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है. यहाँ ऊपर टॉप में आप अपने इमेज का नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ P6 एंड क्लिक ऑन डाउनलोड और यहाँ पे गया मैं एंड जेपैक एंड डाउनलोड. ये देखिए, ये हमारी इमेज है और इस इमेज को अभी आप देखेंगे, जब मैं इसको ग्रुप में भेज देता हूं तो आप देखिएगा यहां पर अपने व्हाट्सएप को चेक करिए, पूरी की पूरी फुल इमेज गई होगी. देख रहे हैं, ये कंप्लीट फुल इमेज गई होगी. देखने में अट्रैक्टिव लगती है बिकॉज कस्टमर पूरी की पूरी इमेज को देख पा रहा है. समझ रहे हैं अजय जी? यस सर. मैम, यस सर. फिर वो इस तरीके की चीजें, जैसे अगर ये बनाना होता, ये अजय जी हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आता. मे भी शायद आपको ये डिजाइन नहीं पसंद आ रहा हूं, बट एज पर माई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्रिएटिविटी, जितना मैंने रिसर्च किया, मुझे डिजाइन बहुत पसंद आया है. नहीं सर, अच्छा है सर. ये अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, बट आपको इस तरीके की चीज बनाने में बहुत टाइम लग जाता था सोचने में, तो ये जो टूल है ये आपको इसका एक्सेस देता है. अब जैसे मान लीजिए हमने एक फेसबुक अकाउंट बनाया, अब फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करते हैं, आप फेसबुक कवर, जो ऊपर कवर फोटोग्राफ होती है ना फेसबुक की, ये सर, उसके लिए बनाने के लिए आप क्या करेंगे. अजय जी, बीना मैम, आप लोगों का फेसबुक बहुत मजेदार तरीके से काम करेगा, तो सोशल आप लोगों को बहुत अच्छे से काम करना है. सर, फेसबुक कवर देखिए, मैं यहाँ पे फेसबुक कवर बनाता हूँ. फेसबुक कवर का साइज ऑटोमेटिकली दिया गया है. ये सर जो पेज बनाना उसके लिए ना सर? अरे पेज पेज के लिए जो है ना सर, ये सर फेसबुक पेज, बिल्कुल. सो इस तरीके से आप पूरा का पूरा यहाँ पे, जैसे ये आ गया, अब यहाँ पे देखिए अजय जी को प्रॉब्लम कहाँ हुई होगी, जब इसको ये डाउनलोड करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा देगा कि ये जो इमेज है जिसके ऊपर एक क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है, इसको परचेज करने के लिए इनको पैसे देने पड़ेंगे. सो व्हाट आई डू एवरी टाइम इफ आई गेट इनटू दिस सिचुएशन कि जहां पे मेरे को ये डाउनलोड करना पड़े, सो व्हाट आई डू, मैं सिंपल इसको करता क्या हूं, इसको डिलीट कर देता हूं, अपनी एक इमेज को एडिट कर देता हूं. अच्छा, आप यहां पे जैसे जाएं, अभी जैसे हमने इसको लिया हुआ है, सो मैं इसको लेके जाऊंगा. ये देखिए मैंने इमेज ये लेके आ गया,
और इसके लिए मैं ये इमेज लेके आ जाता हूँ, ये देखिए। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, यही मुझे कल करना था। और यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट जरा मेंशन कर दूं, सो दैट पीपल विल लव टू सी मी। इसको अगर मेरे को छोटा बड़ा करना है टेक्स्ट को, ये देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ऊपर साइज का है सर, ये देखिए मजेदार तरीके से मैंने किया। वो बैकग्राउंड में एक टेक्स्ट है, मेरे को इसको उड़ाना है, उड़ा दिया, ये देखिए। कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक जा सकते हैं, जो भी कलर चेंज करना है। अगर मान लीजिए इसका आपको थोड़ा सा फिल्टर चेंज करना है तो यहाँ पे इफेक्ट्स में जा सकते हैं, आप फिल्टर्स में जा सकते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे इसके। तो इसमें जब आप जाते हैं, जैसे ये देखिए, ये एक फेसबुक के लिए बहुत मजेदार चीज हो सकती है। यहाँ पे आप जाएं, ये देखिए पोर्ट्रेट क्वेंच इन्होंने दे दिया। यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं, इसको भी हटा दूं, और अजय जी मैं आपका लोगो ले लूं, ये रहा ऑटोमेटिक, यहाँ पे नाम लिख दिया था सर, वो ऑटोमेटिक इसलिए लिख दिया था क्योंकि पिछले वाले जो मैंने पिछला एडिट किया था ना, हाँ जी, उसमें मैंने आपका नाम यूज किया होता तो उसने वही उठा के दे दिया। ये लोग भी AI पे खेल रहे हैं। नहीं, इसमें AI कुछ नहीं है सर, बहुत सिंपल चीज है ये। सो यहाँ पे चलते हैं और मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा कलरफुल दे देता हूँ आइडिया। लेट सपोज आई गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ दिस शेडिंग, क्योंकि आप ग्रे स्केल पे खेल रहे हैं तो ग्रे स्केल के लिए बहुत जरूरी है कि आप कलर कॉम्बिनेशन वैसे ही चूज करें। आपका जो लोगो है वो वाइट बेस पे है, क्योंकि अगर मैं दूसरा कुछ डालूंगा तो ये वाइट बेस खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने ये व्हाइट बेस लिया। और छोटा कर देते हैं, ये आ गया। अगर मैं अभी इस इमेज को हटाना चाहूं, ये हट गई, क्लिक हट गई, हट गई। अब यहां पर मैं जाता हूं अपलोड्स में, एंड आई विल पुट दिस एंड दिस, कुछ इस तरीके से ये शेड बहुत ज़्यादा मैच कर गया। आई कैन गो लाइक दिस, और यहाँ पर अगर मैं कुछ टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं चाहता हूँ किसी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए डालना, आई कैन डू दिस, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, यहाँ वाइट दिखेगा नहीं, बिल्कुल मैम, कलर चेंज कर देते हैं, और यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका ब्लैक पे, इन चीजों को भी ब्लैक कर देते हैं, सो दैट इट विल बी विजिबल। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ लिखा हुआ था इसलिए मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे कोई एक कुछ टैगलाइन सोचिए सर, कुछ मेमोरीज आर इम्पोर्टेंट, मेमोरीज आर इम्पोर्टेंट, यस। मुझे लगता है सर ये टैगलाइन मतलब आपने फाइनल कर लिया है क्या? ये नहीं सर, अभी मैंने कहीं डाला नहीं इस टैगलाइन को, ये बहुत पहले जब स्टार्ट किया था ना क्लासेस तब मैंने ये लिखा था। क्रिएट योर मेमोरीज, क्रिएट योर मेमोरीज, बहुत बढ़िया। थोड़ा और छोटा करना है, मैं छोटा कर सकता हूँ इसको, आई कैन गो लाइक दिस। अजय जी, कैन आई सजेस्ट यू समथिंग? श्योर सर, क्रिएट योर टैगलाइन। श्योर सर, मेमोरीज मोर मेमोरेबल। तो यहाँ डिसाइड कर लीजिएगा अजय जी, यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ टैगलाइन डाल सकते हैं, और देखिए कितनी मजेदार चीज लग रही है अभी ये। यस सर, है ना, आप इसको अगर इसको थोड़ा सा थोड़ा ऑप्शन में लेके आना चाहें, इस तरीके से लेके आना चाहें, आप इसको मोड कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, सो दैट ये आपके थीम को मैच करें। बहुत सारी चीजें हैं, ग्रे शेड में चल रहे हैं तो कलर्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यस सर, वो पहले वाला अच्छा लग रहा था, जैसे अगर मेरे को आप बोलेंगे तो मेरे लिए ये बहुत मजेदार लगेगा। यस सर, क्योंकि ये ग्रे शेड में आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ग्रे शेड में आ रहा है। यस सर, और इस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, ये आपका फेसबुक का कवर पेज कनेक्ट हो गया, है ना, मजेदार।
जिस तरीके की चीज आप अगर फोटोशॉप में बनाने लगेंगे, अगर आप क्रिएटिव नहीं है, अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता तो बहुत दिक्कत होगी बनाने में. यस सर, यस सर. आपको थॉट प्रोसेस ही समझ नहीं आएगा कि करूं क्या मैं. ये तो हो गया इन सब चीजों के लिए जहां पे आप क्रिएटिव इन सब तरीके की चीजें बना सकते हैं. अब मैं आपको एक ब्लैंक तरीके से बना के दिखाता हूं कि कैसे हम इस पे काम करेंगे. होम पे चलते हैं. यहां पर मैं टाइप करता हूं, जैसे मान लीजिए बीना मैम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोटेशंस भेजते रहते हैं लोगों को, कुछ भी आप डिजाइन आर्किटेक्चर से पीडीएफ्स बनाते रहते हैं आप लोग, तो उस पीडीएफ में करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे. जैसे आपको अगर मैं मान के चलूं यहाँ पे आपको फ्लायर्स मिल जाएंगे, ये फ्लायर आपको मिल जाएंगे जो आपके फ्लायर फोल्डेड फ्लायर्स होते हैं, इस तरीके के फ्लायर्स मिल जाएंगे. तो आप रियल टाइम अपनी कंपनी की क्रिएटिव टीम भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो. सर ई बुक कर सकते हैं सर इससे? सर बिल्कुल, ई बुक यहाँ पे आपका आ जाएगा, और अगर नहीं भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा. सर ई बुक कवर पेज आपके पास आ गया, ये देखिए, ये रहा, ये कवर पेज बन गया. मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम इसको लेके चलते हैं, ये हमारा कवर पेज बन गया. और कवर पेज के बाद सर, क्योंकि ई बुक हमेशा पीडीएफ में होगी, है ना? यस सर, यस सर. तो मान लीजिए कवर पेज बन गया आपका. कवर पेज के बाद एड न्यू पेज दिख रहा है आपको? यस सर. एड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, सेकंड पेज बन जाएगा. सेकंड पेज पे आपको जो डिजाइन डालना है वो डिजाइन डाल लीजिए. देखिए फर्स्ट पेज ये बन गया, सेकंड पेज ये बन गया. ओके. थर्ड पेज आपको करना है, एड न्यू पेज पे जाइए. थर्ड पेज आपको करना है, इसको हटाना है, इसको हटा दीजिए. थर्ड पेज कुछ कुछ भी आपको डालना है, आप कुछ इस तरीके का डाल दीजिए. अगर आपको रखनी है जी, सपोज जैसे 50 पेजेस का एक ई बुक है, आप बना सकते हैं सर. एक ही दिन में वो जैसे नहीं होता है, आधा किया और बाकी उसमें अभी काम करना है नेक्स्ट डे. जो भी चीज इसमें कर रहा हूँ ना सर, वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है. ओके. चाहे आपका इंटरनेट भी चला जाए, आप दोबारा इसकी लॉगिन करेंगे आपको यहीं पे मिलेगा. इस पे जब मैं डाउनलोड करूंगा तो देखिए यहाँ पे पीडीएफ स्टैंडर्ड दिख रहा है. यस सर. और तीन पेजेस दिख रहे हैं, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ. देखिए मेरे पास इसकी पीडीएफ आ जाएगी, बड़ी मजेदार तरीके की पीडीएफ बन जाएगी ये, और बिल्कुल हाई क्वालिटी पीडीएफ बनेगी ये. मैंने इससे बहुत क्रिएटिव काम किया है, बहुत अच्छे से काम किया है, मुझे इस पे पैसे खर्च करने की जरूरत आज तक पड़ी नहीं. सर ये देखिए पूरी पीडीएफ बन गई. यस सर. इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ सर. पीडीएफ ऐसे मैंने डाउनलोड की हुई थी, इसको एक बार डाउनलोड करके मैं आप लोगों के ग्रुप में ही भेज के दिखा देता हूँ. ये रही पीडीएफ. ये देखिए सर पीडीएफ गई आप लोगों के ग्रुप में. ये देखिए मैंने अभी जिस पे मैं काम कर रहा था, कुछ क्रिएटिव ट्राई कर रहा था, ये एक क्रिएटिव है, ये देखिए. तो बहुत इजी है इसमें काम करना. यस सर. जैसे यहां पे अगर मैं इसको लेके चलता हूं, यहां पे आया, इस इमेज को मेरे को हटाना है सिंपल. यहाँ पे मैं जाऊंगा अपलोड्स के अंदर, मैंने अपलोड किया हुआ है, कुछ भी मेरे को इमेज डालनी है, ये देखिए मैंने इमेज उस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, छोड़ दिया. सर लो जो इसको कर दिया लोगो. जी बताएं सर. फ्रीलांसिंग में जो लोगो डिजाइनर हैं वो यहीं से काम करते हैं क्या? नहीं सर, फ्रीलांसिंग में जो लोगो डिजाइनर है वो सारे के सारे सर कुछ टूल्स यूज करते हैं जो टेम्पलेट वेबसाइट होती है, और फिर फोटोशॉप में टाइम काम करते हैं. लोगो डिजाइनर कभी भी सर इसमें काम नहीं करते. ये उनके लिए है जो जिनको क्रिएटिव पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा अच्छी चीजें बनाते रहनी है आपकी, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं. ओके सर. देख रहे किसी भी फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करें आप, वहां पे आपका आ जाएगा फोटोग्राफ. ये देखिए जैसे मान लीजिए अब मेरे को इसको पूरा ब्लैंक करना है, मेरे को इस इमेज को पूरा का पूरा इस पे साइज पे लेके आना है. मैं यहाँ पे गया, ये एक फोटोग्राफ है यहाँ पे. अब जैसे ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर अगर मैम करना हो आपको, तो अगर आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल दिखाना हो तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं. यहाँ पे कुछ
कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, आप अपने आप को दिखा सकते हैं. बहुत छोटा, इट शुड बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर. जी, वी डू योर ट्रांसक्रिप्ट प्रोफेशनली. यस सर, है ना, बहुत मजेदार तरीके से ये चीजें बन सकती हैं. क्रिएटिव सोचने की ट्राई करें. यस सर, जब तक क्रिएटिव नहीं होंगे और इसको ना ज्यादा हॉचपॉच नहीं करें. शॉर्ट एंड बहुत क्रिप्स एंड क्लियर होना चाहिए कि आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं. जी, सो आप इससे अपनी स्लाइड शो भी बना सकते हैं. मैं आपको दिखाऊंगा अगर यहाँ पे कोई स्लाइड शो बना हुआ होगा तो. जो आपने स्लाइड शो बनाया है ना वहां पे अजय जी. यस सर, आप यहाँ पे स्लाइड शो बना सकते हैं. आपके स्लाइड शो का साइज क्या था सर? अभी तो ऐसे याद नहीं है सर. चलिए मैं देख लेता हूँ. ये रहा आपका स्लाइड और मेरे को लगता है आपका स्लाइड जो है 1920x1080 है. सो सिंपल. ये साइज सर मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैं डिजाइनिंग करता रहता हूँ तो मुझे आइडिया है कि क्या स्क्रीन का साइज चल रहा है. सो यहाँ पे देखिए, क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करेंगे, कस्टम डायमेंशन पे करेंगे 1920x1080. यहाँ पे मैंने किया और मैं क्लियर इस डिजाइन पे आ गया. ये मेरे पास पूरा डिजाइन इनका रेडी हो गया. इसके साथ सर यहाँ पे अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा अपना ये देख रहे हैं, सारे के सर सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं. अगर आप टेस्टिमोनियल सेक्शन बनाना चाहें कुछ इस तरीके का. यस सर, ये तो कल तो बना ही रहा था, मैं टेस्टिमोनियल ऐड कर रहा था ना, तो इस तरीके का सेक्शन आप बना सकते हैं. अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. और ये जो यहाँ से जो आपको इमेजेस मिलेंगी बहुत क्रिएटिव तरीके से अच्छी इमेजेस मिलेंगी. यहाँ पे आप एलिमेंट्स में जा सकते हैं. एलिमेंट्स में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे. जैसे आप मान के चलिए मेरे को अपना एक फेसबुक कवर बनाना है, जिस फेसबुक कवर में मैं चाहता हूँ कि मैं लेटर्स में लिखूं. जैसे मैं लिखूं पोर्ट्रेट क्विंच लिखूं और यहाँ पे हम चलते हैं क्रिएट और यहाँ पे चलते हैं हम फेसबुक कवर में. फेसबुक कवर में भी चलता हूँ और फेसबुक कवर के साइज को लेके चलता हूँ. ये रहा मेरा फेसबुक कवर का ब्लैंक साइज. अब मैं चाहता हूँ इसको मैं एक ब्लैक बैकग्राउंड दे देता हूँ. ये रहा. और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स में जाता हूँ. एलिमेंट्स में मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पोर्ट्रेट क्विंच. आपका जो पूरा नाम है कितना बड़ा ये, ठीक है. मैं आपको दो लेटर्स करके दिखा रहा हूं सर. अगर आपको चीज पसंद आए तो आप कर सकते हैं, वरना ज्यादा टाइम लग जाएगा इस पे. ठीक है सर. तो यहां पे देखिए, जैसे पी मैंने टाइप किया, ये देखिए पी लेटर आया. इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी से. मैं आपको इस लेटर भी करके दिखा रहा हूं. फिर एंटर किया, ये एलिमेंट्स के अंदर आएगा सर. ये देखिए सेकंड ये आ गया. अब ये इसके ऊपर मैं अपलोड्स में जाता हूं और यहां देखिए कितनी मजेदार चीज से काम करूंगा. ये देखिए मैं इस पे, ये देखिए देख रहे हैं. इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ. पूरा का पूरा मैं नाम लिख सकता हूँ, सारी चीजें. सर वो इमेज इनके बैकग्राउंड में चली गई. जी, इमेज बैकग्राउंड में चली गई सर. कौन सा ऑप्शन यूज किया था आपने? तो फोटो सर, एलिमेंट्स में गया मैं और एलिमेंट्स में मैंने यहाँ पे जाके एलिमेंट्स में अपना जो भी मेरे को लिखना था वो उस पे चला गया. ये बहुत लोगों को पसंद आता है इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया. ये इस पे आप जो इमेज डालना चाहें वो इमेज डाल सकते हैं सर. ओके, ठीक है. एग्जांपल ये देखिए, ठीक है, देख रहे हैं. और अगर मैं एक ही इमेज सब पे डालना चाहूं, आई कैन डू दिस. ये देखिए कितनी मजेदार चीज लग रही है. सही कंसेप्ट है. सो आपको थॉट प्रोसेस लेके आना पड़ेगा कैसे करना है. अब जैसे मान लीजिए यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ब्लैंक कर देता हूं. अगर अब मुझे एक टेक्स्ट लेके जाना है, मुझे कुछ लेट्स सपोज कुछ ऐसा फ्लायर बनाना है,
प्रोफाइल पे चलते हैं। प्रोफाइल भी यहाँ पे बहुत मजेदार चीज से बन जाएगी। अगर आप कंपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं जैसे बीना मैम, आप बहुत जगह पिच करने जाते हैं या फिर जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आगे फ्यूचर में खोलते हैं, तो आप प्रोफाइल अगर सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोफाइल टेम्पलेट भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, आप यहाँ पे प्रोफाइल है, और अगर आप यहाँ पे, और यार एक और चीज थी मजेदार, पोस्टर है, रिज्यूमे, ये बड़ी अच्छी चीज है। जितने लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए हैं वो ध्यान दें, यहाँ से रिज्यूम बनाएंगे, बहुत मजेदार तरीके से रिज्यूम बना सकते हैं। देखिए कितना इजी है रिज्यूम बनाना, और ये पीडीएफ में मिलेगी। ये 44% पे इसलिए छोटा दिख रहा है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अपलोड्स में जाता हूँ, क्विकली मैं अपना ही रिज्यूम बना के दिखा देता हूँ, इजी रहेगा। मुझे लगता है ये चीज ठीक नहीं लगेगी रिज्यूम में, ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश हो जाएगी रिज्यूम की। चलिए मैं अगर इसको शेड देना चाहूं, आई कैन गिव इट अ शेड। कलर कॉम्बिनेशन आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा एंड डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं पीडीएफ प्रिंट आ रहा है मेरे पास, पीडीएफ में मैं क्लिक करूंगा एंड डाउनलोड। तो देखिए ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिए। जितने लोग यहाँ पे रिज्यूम बनाना चाह रहे हैं, प्लीज इस तरीके से रिज्यूम बनाइए, बहुत मजेदार तरीके से एचआर इंटरेक्शन होगा आपका। देखिए देख रहे हैं विकास सर, चिन्मया जी, Yes, sir. ऐसे आप लोग कर सकते हैं। सो ये हो गया। सनी क्लियर हो रहा है? अगर आप फोटोज में जाएंगे तो कोलाज भी आपको बहुत मजेदार तरीके से, अगर आप मान लीजिए कुछ फैमिली फोटोग्राफ्स पे यहाँ पे एडिट वेडिट करना चाहते हैं तो कोलाज पे भी आप जाएंगे तो कोलाज, एक पिकासा टूल आप लोगों को याद होगा, बहुत मजेदार चला था। सो फोटो कोलाज, आप इस तरीके से फोटो को कोलाज कर सकते हैं। सर आपके पोर्ट्रेट क्वेंच के लिए ये बहुत मजेदार तरीके से काम कर सकता है ये वाला, मुझे ऐसा लगता है। कुछ मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, किसी आर्टिस्ट की फोटो डाल सकते हैं कुछ बनाते हुए। जैसे मान लीजिए अब मुझे ये जो इमेज है ये इस तरीके से मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ वीडियो भी अपनी अपडेट कर दूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे छोटी सी अपनी एक वीडियो डाल सकता हूँ सर, फॉर एग्जांपल ये रहा, और ये देखिए जब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, ये वीडियो बीटा में दे रहा है मुझे, MP4 में दे रहा है, ठीक है, मैंने डाउनलोड किया इसको। तो इसको कहाँ यूज कर सकता हूँ जहाँ पे वीडियो भी प्ले होगा? ये दिखाता हूँ सर, अभी आपको दिखाता हूँ कैसे यूज होगा ये, या फेसबुक पे डाल सकते हैं, अपने फेसबुक पे डालिए, बड़ा मजेदार तरीके से। पेज मैंने क्लोज कर दिया क्या? ओके, आई क्लोज दैट पेज समहाउ। चलिए यहाँ पे मैं आता हूँ, ऑल डिजाइंस पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे क्रिएट डिजाइन पे जाता हूँ। मैं दोबारा एक फोटोग्राफ आपको डाल के दिखाता हूँ कैसे, कोलाज पे जाके फोटो कोलाज, और एक मजेदार चीज अभी आपको दिखाऊंगा कैसे काम कर सकते हैं आप उस चीज पे। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी फोटोग्राफ्स आप डाल सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और अपलोड्स पे चला जाता हूँ, वीडियोस पे आ जाता हूँ। मान लीजिए ये फर्स्ट वाली वीडियो है, मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, सेकंड में ये डाल देता हूँ, थर्ड में ये डाल देता हूँ, और यहाँ के लिए मैं एक इमेज ले लेता हूँ। लेट्स सपोज इमेजेस में जाके मैं यहाँ के लिए ये इमेज ले लेता हूँ,
चला के देख रहे हैं सर कैसे चल रहा है, देख रहे हैं अलग अलग फोटोग्राफ्स किस तरीके से काम कर रही है। सो अगर हम इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है डाउनलोड कर लेते हैं। आपके पास अगर कोई मोबाइल से खींची हुई फोटोग्राफ है या फिर कोई वीडियो है, आप उसको ला के यहाँ पे उस वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट्स डाल सकते हैं, कुछ तरीके के काम कर सकते हैं। मैंने पहले शायद अपने सन का कुछ दिखाया था आप लोगों को, याद है आप लोगों को मैंने दिखाया था एक बार? नो सर, सन का मैं दिखाता हूँ सर, मेरा बेटा सन, सूरज नहीं। अच्छा जी, मैं दिखाता हूँ कैसे क्या है, क्या चीजें बनाई हुई है उसके लिए, जो टीम उसके लिए है डेडिकेटेड बैठी हुई है, एक टीम उस पर काम करती रहती है उसके पिक्चर्स पे। सो और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये कैसे चल रहा है, ये देखिए। और मैं यही वीडियो अभी आपको देता हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप लोगों को समझ आएगा सर किस तरीके से हो सकता है। व्हाट्सएप पे भी ये वीडियो बिल्कुल चलेगी बहुत मजेदार तरीके से। जाते हैं दिस, ये देखिए आप लोग के व्हाट्सएप पे ये गई अब। आप लोग व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हैं, वीडियो में अगर साउंड होगा तो सर साउंड भी सुनाई देगा? सर साउंड इसमें आपको दूसरी जगह से एडिट करना पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके की फोटोग्राफ्स हैं जो ये सारी यहीं से एडिटेड हैं। आपको मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ, ये वीडियो देखिए ये यहीं से एडिटेड है। So how old he is? 3 years. 3 years. So, ये कुछ फोटोग्राफर इज वेरी वेरी लाइक कैमरा ओरिएंटेड गाय। इसको हमने इस टाइम, ये जो शूट हो रहा था, सो इस टाइम हमने इसको कहा कि फर्स्ट स्टेप में आपको जंप करके गिरना है एंड सेकेंड स्टेप में आपको गिरना नहीं, ये फॉलोड इट। सो दी कोटेशन ये देखिए, ये वीडियो कैमरा से शूट की गई है एंड देन इसको कैनवा में एडिट करके इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स डाले गए हैं। सो द कमेंट इज ऑलवेज राइज आफ्टर योर फॉल। देखिए यहाँ पे किस तरीके से एडिट किया गया है, इस तरह की क्रिएटिव आप जरूर बना सकते हैं, ठीक है अजय जी? यस सर, यस सर। तो उस वीडियो के ऊपर सर आपने ये टेक्स्ट बॉक्स जो ऐड किया ना जी। So, इसके पीछे साउंड भी है, अगर मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा अभी किस तरीके से साउंड काम कर रहा है। ये देखिए ये कैमरा में ही डिजाइन, सॉरी कैनवा में ही डिजाइन किया गया है। सो ही इज डूइंग अ शूट फॉर अमेज़न एंड फर्स्ट क्राई राइट नाउ। ओके ओके, इसलिए इसका प्रोफाइल आप लोग देख पा रहे हैं बचपन से ही। मैम मुझे लगा कि डिजिटल मार्केटर तो कहीं ना कहीं फायदा उठा लेते हैं इस चीज का। ये बहुत इजी है कैनवा में, आप बहुत इजी तरीके से काम कर सकते हैं। yes, sir. बहुत इजी तरीके से आप काम कर सकते हैं कि कैनवा में आप कुछ भी एडिट करना चाहें, कुछ लिखना चाहें, मेंशन करना चाहें, बहुत इजी है, रेडी टेम्पलेट्स हैं, आप यूज करते रहिए इसको। सर ये ऑडियो आपने कैसे इंसर्ट किया था? सर ये ऑडियो जो है, ये ऑडियो कुछ और टूल्स हैं जिसको नॉर्मली आपको मिल जाएगा सर कैमरा, मतलब अपने मोबाइल में ही आप इसको एडिट कर सकते हैं।
यहाँ पर सर फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ज्यादा इस पे आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आप लोगों का ये दिखा दिखा के। यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको कंपनी प्रोफाइल्स मैंने बता दी, प्रोफाइल में आपको रिज्यूमे चेक करना है, रिज्यूमे कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ आएंगे, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ पा रहा, अभी देख लेता हूँ। मैगजीन कवर, वीडियो प्रेजेंटेशन, इंफोग्राफिक्स, बिजनेस कार्ड भी डिजाइन कर सकते हैं, इनविटेशन, सर्टिफिकेट्स डिजाइन कर सकते हैं, लेटर हेड डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे आप, न्यूज़लेटर डिजाइन कर सकते हैं, पोस्टकार्ड, लेबल, अनाउंसमेंट, ये भी एक अच्छा है, प्रोग्राम, टिकट्स, यहाँ आप क्लिक करेंगे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी क्या क्या है। इनवॉइस भी डिजाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे, प्लानर है, रिपोर्ट कार्ड, लेटर, लेसन प्लान, यहाँ पे प्रपोजल, ओके बिना, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। या फिर अगर आप अपनी कंपनी को कहीं प्रेजेंट करने वाले हैं, या फिर विकास सर, चिन्मया जी, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग जो प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं उसके लिए बहुत अच्छे से काम करने वाला है मैम, जैसे मार्केटिंग प्रपोजल है ये जी सर, फर्स्ट पेज यहाँ से क्लियर किया, जो भी आपको एडिट करना है अपना लोगो को लगाया, जो लगाने लगाया, जैसे यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, इसके ऊपर मेरे को लोगो लगाना है, आई विल गो डाउन, आई विल सर्च फॉर माय लोगो, जैसे मैं यही लगा देता हूँ अभी, देख रहे हैं यस सर। तो और यहाँ पे 44% है, ये 100% होगा तो आपको क्लियर नजर आएगा कैसे चल रहा है ये, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए सेकंड पेज में जाना है मुझे, सो यहाँ पे मैं पेज ऐड करूंगा क्योंकि प्रपोजल में एक पेज तो होगा नहीं, सेकंड पेज देखिए सेम यही थीम के साथ आप चल रहे हैं, इसके बाद पेजेस ऐड करते जाइए सेम थीम का आप जी, और आप अपने प्रपोजल को लिख सकते हैं बहुत मजेदार तरीके से, आप अपने पीडीएफ बना सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं यहाँ पे। सनी क्लियर है? सनी समझ शायद बिजी हैं कहीं। यस सर। ओके ठीक है। सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ। यस सर। जस्ट बिकॉज़ अंटिल अनलेस आई विल डू इट और आई विल गेट माय हैंड्स ऑन इट आई कांट बी श्योर दैट मच क्लियर। ओके ठीक है सर। बट मुझे लगता है सर सारे सेशन का आंसर ये नहीं हो सकता ना। सर अंटिल अनलेस आई डू इट समथिंग विद माय हैंड्स। तो करना पड़ेगा सनी अब जल्दी से जल्दी। यस सर आई विल डेफिनेटली आई विल करना करना पड़ेगा। यस सर। और यहाँ पे आप वीडियो जो है वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको। सर वुड यू टीच सम लेसंस और सम टॉपिक्स ऑन हाउ टू क्रिएट सम प्रोफेशनल वीडियो जस्ट बिकॉज़ दैट इज सर वीडियो में आपको टूल जरूर बता दूंगा, टूल्स कैसे करना है, क्या करना है, कितने इजी होते हैं, कौन सा टूल कितने में आएगा, कैसे एडिट करेंगे, आई कैन सेंड यू द वीडियो ट्यूटोरियल्स जो मेरे नहीं है, बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं यूट्यूब रेट करता हूं, सो आई कैन सेंड यू दैट। सर हाउ लॉन्ग वुड यू टेक टू सेंड देम जस्ट बिकॉज़ दैट इज समथिंग। सर आप अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो जो फिल्मोरा एक बहुत इजी टूल है जिस पे आप एडिट कर सकते हैं चीजों को, फिल्मोरा आप फिल्मोरा के ऊपर सर्च कीजिए सर, बहुत इजी टूल है। ओके सर फिल्मोरा के ऊपर सर सर्च कीजिए और आपको कट कॉपी पेस्ट ही सीखना है वहां पे। ओके सर तो उधर से आप काम कर सकते हैं। सो ये देखिए वीडियो कोलाजेस हैं, यहाँ पे आप वीडियो कोलाज अपने बना सकते हैं बहुत मजेदार तरीके से। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम चलते हैं और मैं एक कोलाज बनाने की कोशिश करता हूँ अपने ऊपर ही। सर व्हाट अबाउट एडोब प्रीमियर? सर एडोब प्रीमियर प्रो आप यूज कर सकते हैं, बहुत एक्सटेंसिव है और उस पर काम करना थोड़ा सा टफ होता है सर अगर एक नोवाइस कस्टमर है तो, बट अगर आप सीखना चाहें तो उसको सीखिए, वो उससे ज्यादा मजेदार टूल दुनिया में बना नहीं है सर वीडियो एडिटिंग के लिए। That means you can consider it the best till date. सर आई वॉज द डेवलपर फॉर प्रीमियर प्रो तो मुझे पता है सर उसमें क्या क्या खासियतें हैं, सो मैं सजेस्ट करूंगा सर उस टूल को। Developer for that, sir. I was a code developer for Photoshop and Premiere Pro. Okay. So, उसके बाद फिर मैंने टीम चेंज कर ली, फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग में आ गया। Sir, generally how long does it take to learn Adobe Premiere Pro? Sir, देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है ना लाइन लेंथ है सर इसकी कोई।
ये अगर मैं बात करूं कि सर ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि कब तक एडिट करना अच्छे से सीख जाएंगे, तो सर इसका कोई जवाब नहीं है सर। एडिटिंग और aftermath are something which are for your, for our creativity. सर अगर आप प्रीमियर प्रो नहीं सीख रहे हैं तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स ओके, तो आप ये भी चलाना सीख सकते हैं सर। ओके, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ, दैट इज आल्सो फ्रॉम Adobe कंपनी। यस सर, क्रिएटिव क्लाउड का पार्ट है सर वो। मैं यहाँ से कुछ अपनी वीडियोस डाल देता हूँ सो दैट आप लोगों को लगे कि हम कैसे कर रहे हैं। सर आपने Adobe जब ज्वाइन किया था तो सर आपको कोई आपकी आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी सर, मतलब आप प्रोग्रामिंग पूरा किया? सर मेरी बीटेक है एंड एमटेक है, और मैं जो स्टार्टिंग मैंने ज्वाइन किया मेरी फर्स्ट कंपनी थी एप्पल हैदराबाद, एंड देन वहां पे काम करने के बाद देन आई वेंट टू Adobe, और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 3 कंपनियों में ही काम किया है सर। तो सर आप थी मतलब जैसे सर आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम एज अ डेवलपर। ओके जी, आगे पूछे सर। कोर्स किया होगा ना आपने कुछ? सर बीटेक कंप्यूटर साइंस। जी कंप्यूटर साइंस। ओके सर, सो जैसे यहाँ पे मैं इस वीडियो को डाल लेता हूँ। बहुत इजी है इन चीजों पे काम करना। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, इस पे मैं चला जाता हूँ और इस वीडियो को यहाँ डाल देता हूँ। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मैं अपने वीडियो को आगे पीछे जो भी मेरे को शॉट देना है वीडियो का वो शॉट दे सकता हूँ, और यहाँ पे सारी वीडियो अलग अलग चलेंगी, बहुत मज़ेदार तरीके से लगेगा देखने में। और एक वीडियो अपलोड कर लेते हैं सो इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो में तो सर ऑडियो भी है ना सर? जी बिल्कुल ऑडियो है, लेकिन सर ऑडियो जब यहाँ पे आप एडिट करेंगे ना तो ये खत्म हो जाएगा सर। उसके लिए फिर अलग कोई आप बता रहे हो मोबाइल से टूल से? हाँ मतलब सर उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। वो कैनवा के बाहर है ना सर? सर वो कैनवा के बाहर है सर। बहुत आप कुछ भी सर वहां जाके सर्च कर लीजिएगा, अपने मोबाइल में ही सर्च कर लीजिएगा, लाइक एड ऑडियो टू वीडियो ऐसा कुछ। ओके तो आपको दिख जाएगा। देखिए इस तरह की अलग अलग वीडियोस चलना इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। आपने इंतजार करने वाले को देख रहे हैं उतना ही मिला है। ये अलग अलग तरीके से वीडियो इसमें चलनी स्टार्ट होंगी। इसकी एक वीडियो मेरे पास जरूर होगी, इसकी भी मोमेंट गाइस मैं आपको दिखाता हूँ सो आप लोग वीडियो का बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इसका यूज कर पाएंगे। Let me check. सोशल मीडिया के लिए ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा कि आपको क्या पोस्ट करना है, कितना एडिटिंग मोड में पोस्ट करना है, तो आपको ये पता नहीं होगा, तो इसलिए जरूरी है कि आपके सामने एक ऐसा टूल होना चाहिए जिससे आप आराम से काम कर पाए बहुत इजी तरीके से, ज्यादा प्रेशराइज फील ना करें। मैं एक बार जरा वो वीडियो से ढूंढ लूं, उसके बाद आई विल गिव यू आइडिया अबाउट इट कैसे उस पे एडिट कर सकते हैं आप लोग। सर मेरे पास ना जैसे कुछ आर्टिस्ट ने वीडियो दिया था व्हाट्सएप पे जी ड्रॉ करते हुए जी, तो वो सिर्फ मोबाइल से शूट किया होगा कि जो आप जो जैसे बता रहे कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज करके उसको? सर दोबारा बोले। जैसे कुछ मेरे पास आर्टिस्ट है जिनसे मैंने मतलब की बात किया था जी,
सैंपल भेजा था, जिस उस कुछ एक सैंपल ऐसा भी था उसमें कि सिर्फ ड्रॉ करता जा रहा है, सिर्फ उसका हैंड दिखाई दे रहा है और वो ड्रॉ करता जा रहा है काफी स्पीड में जी, उसने ड्रॉ कर दिया जी। मुझे लग रहा था जैसे मोबाइल से शूट किया था, लेकिन उसके बाद उसने उसको चेंज किया था, उसमें एडिट किया होगा सर उन्होंने पक्का, वो किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू किया होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। I'm really sorry guys, मुझे वो वीडियो भी मिल नहीं पा रही है, बट जैसी मुझे मिलती है I'll send you। वहां पे क्या था, कोलाज टाइप का बनाया गया था, और moment, let me find, I do have, I must be having that WhatsApp। और कोई क्वेश्चन किसी का अगर आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप, बीना मैम कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? हाँ जी सर, वो जो आपने गूगल मैप का बताया था ना कोड के लिए, वो मेरे पुरानी वेबसाइट के लिए ऑलरेडी किया हुआ था और मेरे एड्रेस पे वो एनवेलप आया भी था। ठीक है, तो अभी नई वेबसाइट के लिए भी करना पड़ेगा या नहीं? मैम आप सिर्फ पुरानी वेबसाइट में जाके उसको एडिट कर दीजिए अपनी नई वेबसाइट का एड्रेस, नया करने का जरूरत नहीं है। नहीं मैम, नया करने का जरूरत वाले के लिए नया, बस उसमें कीवर्ड ऐड कर दीजिएगा उस लिस्टिंग में मैम। ओके, जो कीवर्ड मैंने ऐड करना सिखाया था ना उधर, कीवर्ड याद है मैम कैसे करना है? हाँ जी से बताया था आपने जी, तो वो कीवर्ड जरूर उसमें ऐड कर दीजिएगा। फाइन सर, चलिए गाइस मुझे वो अभी मिल नहीं रहा है, एंड एज सून एज आई विल फाइंड दैट आई विल सेंड यू अक्रॉस कि कैसे है क्या है। नो इशू सर। यहाँ पे जो भी चीजें आप बनाते रहते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए, जब मैं आपको YouTube सिखाऊंगा तो YouTube के ऊपर थंबनेल बहुत मजेदार तरीके से बनती है। थंबनेल मतलब जो वीडियो चलने से पहले जो इमेज आती है, यस सर, वो चीज आप यहाँ बना सकते हैं। ओके, तो चलिए, सो ये रहा कैनवा का, और मुझे लगता है कि आज सेशन में हम कैनवा के अलावा और कुछ कवर कर नहीं पाएंगे। सो इसलिए अभी आप लोग बताएं कि आप सोशल मीडिया स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर और कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? कैनवा में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कैनवा में इससे ज्यादा अगर आप चाहते हैं कुछ एडिटिंग करना, कुछ चीजें समझना, तो कैनवा में आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। ओके सर। और जो ट्रांसपेरेंसी है, मैं एक और चीज आपको बता दूंगा, रियली फॉरगॉट टू डू दैट, ट्रांसपेरेंसी लेवल आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज इंस्टाग्राम पोस्ट पे चला जाता हूँ, और मुझे हल्का सा अगर जैसे लेट सपोज मेरी कोई इमेज है, मैं अपनी कोई इमेज ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपडेट पे जाते हैं एंड लेट मी फाइंड वन ऑफ माय इमेजेस, जैसे ये रही, सो इस पे जाते हैं और हल्का सा मुझे इसको ब्लैक शेड देना है और उसके ऊपर में वाइट से, क्योंकि समझिएगा रीजन, समझिएगा मैं यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट अभी डाल दूँ और लेट सपोज मैं ये टेक्स्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये देखिए ये ब्लैक पे तो ठीक नहीं लग रहा है, प्लस अगर मैं इसको थोड़ा सा व्हाइट में चेंज कर दूं इस टेक्स्ट को, तो देखिए व्हाइट में भी मजेदार नहीं लग रहा, क्योंकि हल्का सा व्हाइट शेड मैंने शर्ट पहनी हुई तो मजा नहीं लग रहा ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में जाऊंगा, ये सिर्फ तरीका बता रहा हूं आपको, एलिमेंट्स में जाऊंगा, एलिमेंट्स में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, यहां पे मैंने इसको डाला, और पोजीशन देखिए मैं इसकी पोजीशन डिसाइड कर सकता हूँ, बैकवर्ड बैकवर्ड, और मैं चला गया अपनी फोटो के ऊपर, और इसके बाद मैं गया और इसको मैंने हल्का सा ब्लैक शेड दे दिया, और इसके बाद यहाँ ट्रांसपेरेंसी पे आया और धीरे धीरे देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी, देख रहे हैं अब, देख रहे हैं कितनी क्लियरिटी आ गई जी सर। तो इस तरीके से आप लोग भी काम कर सकते हैं, ये देखिए। Okay. और आप पोजीशंस डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज कहां पे रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर किसी एक ऑप्शन को ऐसे ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल इसको लिया मैंने और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं जस्ट टू गिव
a little bit of experience. इसको बाहर ले जाते हैं. कुछ इस तरीके की डिजाइन, अगर आपको डिजाइन स्टैंडर्ड कुछ आइडिया है, इस तरीके की डिजाइन आप बनाना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैं लेके गया और मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये जो चीज आ रही है, मैं इसको थोड़ा ब्राउन शेड दे देता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स मैंने बनाया, ये बॉक्स जो है ये लेटर के पीछे चला जाए लेकिन मेरी फोटो के ऊपर ही रहे. तो मैं क्या करूंगा, पोजिशन बैकवर्ड, देखिए लेटर के ऊपर चला गया ये जी. और अगर मैं इसको अब, क्योंकि मेरी शक्ल पूरी क्लियर दिख नहीं रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हल्का सा जाके इस पे ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकता हूँ, एंड आई कैन डू दिस. गॉट इट? यस सर. तो इस तरीके से चीजों पे आप काम कर सकते हैं, बहुत मजेदार तरीके से मेथड को यूज कर सकते हैं. यहाँ पर सर आपके लिए बहुत अच्छा होगा बीना मैम, जो आप टेस्टिमोनियल बनाएंगे जी. सनी आपके लिए बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट ये इसलिए टूल है क्योंकि सर आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. यस सर. यू नीड टू डू लॉट ऑफ फोटोशूट्स, क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म दिखने के लिए एक प्रोफेशनल बंदा आपके सामने बैठा है, क्योंकि आप ऐसी चीज बढ़ा रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत प्रोफेशनल चीज है. एग्जैक्टली. और जो टारगेट ऑडियंस है आपका, वो पढ़ी लिखी ऑडियंस है. वो कभी भी, मतलब मुझे नहीं लगता कि सर आप ऐसे लोग पढ़ाना चाहेंगे जो पंजाब से सीधा 10वीं पास करके कनाडा जाना चाहते हैं. Yes, sir. मुझे सॉरी सर, आई गेट सर मेनी कॉल्स पर डे. सर तो बहुत अच्छा है, अगर वो आपका टारगेट ऑडियंस है तो उनके लिए भी अगर आप प्रोफेशनल शूट्स करा रहे हैं और दिखा रहे हैं अपने आपको, तो प्रेजेंट करना. सर प्रेजेंट देखिए, जो दिखेगा वो बिकेगा, और यहाँ पे दिखने वाली चीज है आप. यस सर. है ना, तो अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी लेवल कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं. चलिए, किसी कोई क्वेश्चन कैनवास है और एल्स आई कैन स्टार्ट विद फेसबुक नाउ. नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया. ओके, सो गाइस मैं सेशन को यहीं तक रखूंगा आज, थोड़ा ज्यादा लेंथी चले गए हम. एंड हम कल दोबारा फेसबुक एंड सोशल नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे. इसके बाद मैं आपको ऑर्गेनिक लेवल पे ये सिखाऊंगा कि फेसबुक कैसे यूज करना है, फेसबुक में टैगिंग कैसे करेंगे, और फेसबुक में अपने सब्सक्राइबर्स और अपने लाइक कैसे बढ़ाएंगे, अपने पेज के रेगुलर पोस्ट कैसे करना है. कैनवा टूल्स को यूज करते हुए आप सारे लोग फेसबुक पे पोस्ट करेंगे रेगुलरली. कुछ टाइम नहीं मिलता किसी को, कोई बात नहीं, कुछ भी बना के डालिए, लेकिन डालिए. ओके सर. चाहे आप लोग बात कर सकते हैं आपस में. मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो गाइस. गुड नाइट. जय हिंद.